बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं गॉड फोकस एंड लॉस्ट फोकस। मल्टीपल टेक्निक्स हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फिर उसके अंदर जो हमारी, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इफ़ के अंदर हम इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। सिंपल वे से भी करेंगे एक चीज़ को और मुश्किल वे से भी, ठीक है। मैं एक फॉर्म ऐड कर लेता हूँ, एफ आर एम गॉट एंड लॉस्ट फोकस, ठीक है। गॉट फोकस एंड लॉस्ट फोकस, ये दोनों अलग हैं, तो मैंने फोकस को एक ही दफ़ा लिखा था कि क्लियर हो जाए आपको, ये हो गया गॉट फोकस एंड लॉस्ट फोकस। सबसे पहले हम इस फॉर्म को अपने मेन फॉर्म में ऐड करवा लें, फिर हम आगे गॉट एंड लॉस्ट, डबल एंड क्यों डाला, एंड शो कर, ठीक है। अगर डबल एंड डालेंगे तो एक यहाँ पे उसी फॉर्म को हम कॉल कर लेंगे, एफ आर एम गॉट एंड लॉस्ट। इस फॉर्म का काम खत्म हो गया, इस फॉर्म क्लोज करना, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स, जो कॉमनली हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज होती चीज़ें, वो मैं लगाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स, कमो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, जिन पे फोकस आ सकता है, ठीक है, जो फोकस कंटेन कर सकते हैं। मास्क टेक्स्ट बॉक्स, मास्क टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं सेट कर देता हूँ मास्किंग, ठीक है, और मास्किंग दे देता हूँ NIC नंबर की 1301-7100-1, ठीक है। मीन्स कि इसमें हमारा NIC नंबर, ठीक हो गया। उसको हम बोलते हैं मास्क टेक्स्ट बॉक्स। ये जो हमारे प्रीवियस 2003 का जो वेरिएंट था उसमें ये नहीं थी चीज़, तो मास्किंग के लिए हमें अपना कोड लिखना पड़ता था, ठीक है। और ये फैसिलिटी भी .NET आपको दे रही है कि मास्किंग इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें या कस्टम अपनी मर्जी की कर लें, ठीक है। ये इसकी मास्किंग, ठीक है। जब तक मास्किंग नहीं थी तो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लग जाता, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके टैब इंडेक्स जो है वो सेट कर देता हूँ टैब ऑर्डर, कर दिया। इनको फॉर्म के सेंटर में लाना है, सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सेंटर कर दिया, जिस तरह आपको सूट होगा, ठीक है। फॉर्म को थोड़ा छोटा करूँगा और अब इनको सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस में हम करेंगे क्या, पहले तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे। करेंगे ये कि कर्सर जब यहाँ पे है तो इसका बैक कलर चेंज हो गया, हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉर्मल से थे इससे बनाए, आज इसको हम डिटेल पढ़ें। यहाँ से जब फोकस हटे, यहाँ पे फोकस है तो इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ पे फोकस आए तो इसका बैक कलर चेंज हो गया। मीन्स कि वो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाए कि इस वक्त यूज़र कहाँ पर लाइज कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इसमें सिलेक्शन है तो उसमें हम कुछ आइटम्स डाल देंगे, ठीक है, और इसमें कुछ टेक्स्ट। अब ये इसमें मैंने ज़ीरो दिया था तो सिर्फ हम नमेरिक दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 131, ठीक हो गया, ये मैंने वैल्यूज दी। इसमें मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, टैब प्रेस किया, टैब टैब, इसमें कर्सर यहाँ पे रखा हुआ, अब मैं यहाँ पे रख देता, ठीक है। टैब प्रेस किया तो जहाँ पे कर्सर रखा था लास्ट टाइम वहीं पर आ रहा, ठीक है। ये हर दफ़ा सेलेक्ट ऑल होगा, ठीक है, अगर आपने इसकी फॉर्मेट टाइप ये रखी हुई, ठीक है, क्लियर होगी चीज़। अगर इसको मैं सिलेक्ट रखूँगा और टैब करूँगा तो नेक्स्ट टाइम ये सिलेक्ट होगा। ये भी हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, और हमारा जो मास्क टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट ऑल हो जाए, प्रीवियस को वो भूल जाए, प्रीवियस स्टेट जो है उसको
ना याद रखें, ठीक है। ओके, मैं आता हूँ व्यू कोड में और यहाँ पे मैं इनके इवेंट क्रिएट करता हूँ। इवेंट क्रिएट करने के मैंने आपको मल्टीपल तरीके बताए थे। टेक्स्टबॉक्स वन डॉट डॉट फोकस, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स वन लास्ट फोकस, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मुझे बाकियों के लिए बनाना है तो सेम यही काम फिर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को लेके चलते हैं। सिंपल टेक्निक, सबसे पहले जो हम उससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, वो ये है कि मैं सेंडर डॉट बैक कलर, ठीक है, हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स आएगा तो उसके बैक कलर की प्रॉपर्टी होती है, बैक कलर इक्वल टू कलर की क्लास होगी, उसमें से आपने कलर उठा लेना है। मैं देता हूँ येलो, ठीक है, लाइट येलो, ठीक हो गया। फिर जब ये तब आएगा जब फोकस उस पर आए, फिर मैं कहता हूँ जब फोकस जाए तो कलर वाइट हो जाए, ठीक हो गया। एक तो ये सिंपल टाइम, इसको मैं कंसिडर नहीं करता, फोकस टाइम, ठीक है। दूसरा आप एक कंट्रोल ले लें, देन CTRL एज अ कंट्रोल, और इस कंट्रोल को यहीं पे मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, कौन सी, सेंडर की। सेंडर में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमने बड़ी डिटेल में डिफाइन किया था कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा CTRL डॉट बैक कलर इक्वल टू लाइट येलो, ठीक है, और यही काम मैं यहाँ पे भी करता हूँ, तो मुझे यही कोड लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये तो होगी दूसरी जगह। इसका हाल देख लेते हैं कि बिहेव कैसे करता है। लाइट येलो हो गया, वाइट हो गया, लाइट येलो, वाइट, लाइट येलो। तो ये क्लिक पे नहीं है, ये लास्ट फोकस पे है। फोकस आए, फोकस जाए, ठीक हो गया। टैब शिफ्ट टैब, अच्छा। अब एक चीज़ और उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और कर्सर यहाँ पे रखता हूँ तो ये वहीं पे आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ, इस कोड को, और इस कोड को भी कमिट करता हूँ एक न्यू टेक्निक से आता हूँ, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ जो हमारा सेंटर का जो कंट्रोल है, इसको मैं अनकमिट कर देता हूँ, जो कंट्रोल है CTRL डॉट बैक कलर इक्वल टू, ठीक है, जो हमारा सी टाइप, कन्वर्ट कर दे टाइप को, किस टाइप को, CTRL जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किस में कन्वर्ट करें, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, स्पेसिफिक ले गया टेक्स्ट बॉक्स डॉट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ कंट्रोल को, डॉट बैक कलर इक्वल टू लाइट येलो, ठीक है, एक काम। दूसरा काम, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और साथ में यहाँ पे कह देता हूँ डॉट सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल जो है वो कहता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए कह रहा है कि उसे पता है कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है टेक्स्ट बॉक्स में, तो तमाम का तमाम सिलेक्ट कर ले जो भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल नहीं देता, CTRL नहीं देता, कमिट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लिया। कोड इसलिए कमिट कर रहा हूँ कि आपको याद रहिए मैंने क्यों क्या कब कैसे किया, ठीक। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर सेंटर को पास कर देता हूँ, सेंटर को कॉपी किया, पेस्ट एंड पेस्ट। पहले हम सेंटर को एक कंट्रोल में दे रहे थे, अब मैंने सेंटर को खुद ही कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिमेन रहेंगी, आपको उसी तरह नज़र आएंगी,
फंक्शन है, है, है। कन्वर्ट करता है टाइप को, टाइप को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने किया था int डॉट पार्स डबल डॉट पार्स सी डी बी एल सी int, ठीक है, सी बुलियन, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, वैल कन्वर्ट डॉट टू डबल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। ये आई से आप नहीं देखें, पहला आपने ऑब्जेक्ट देना होता है, सी टाइप के जो अपने पैरामीटर हैं वो आपने फिलअप करना है। पहला पैरामीटर वो कह रहा है जी एक्सप्रेशन किसको करना है, ठीक है, फिर उसके बाद टाइप कौन सी टाइप में लेके जाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सेंटर में क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो इसलिए हमने टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं उसको कंबो बॉक्स यहाँ पर दे दूँगा तो प्रॉब्लम कर रहा है, कन्वर्जन होगी नहीं। टेक्स्ट बॉक्स एंड कंबो बॉक्स इज अ डिफरेंट थिंग, टेक्स्ट बॉक्स और मास्क टेक्स्ट बॉक्स मिलते जुलते हैं, लेकिन मास्किंग की जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे फिर वो एरर होगी, ठीक है। तो यही काम अगर मुझे यहाँ पे करना हो तो सेम इसी तरह से करूँगा, लेकिन उसमें हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हम तब करते हैं कि हमें सेलेक्ट ऑल की ज़रूरत है, ठीक है, तो तब हम ये काम करते हैं। लेकिन अगर उसी वे से लिखना चाहें सेम वे से दोनों चीज़ें तो लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेगा, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और सेंटर में कर्सर रखा, टैब प्रेस कर दिया, फिर जब वापस आऊँगा तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, लास्ट स्टेट को भूल जाएगा, ठीक है, सिलेक्ट ऑल। इससे आसानी ये होती है कि जब यूज़र आपका वहाँ पे पहुँचता है तो उसे बैक स्पेस नहीं करना पड़ता या सिलेक्ट ऑल करके डिलीट नहीं करनी पड़ती अगर गलत वैल्यू लिखती है, सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती है, वो डायरेक्ट टाइपिंग शुरू करेगा तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई कि सिलेक्ट ऑल क्यों यूज़ करते हैं। अगर नहीं है रिक्वायरमेंट ना यूज़ करें, फिर आपको इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल काम से भी चला सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अगर यही काम मुझे मास टेक्स बॉक्स के लिए, कम्बो बॉक्स के लिए, लिस्ट बॉक्स के लिए करना है तो हर एक के अलग अलग इवेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं बनाना है, अब रूटीन बनाते हैं उससे काम चलाते हैं, मुझे इवेंट नहीं बनाना, ठीक है। अब सब रूटीन जब बनाएंगे तो मुझे गॉड फोकस के लिए एक अलग सब रूटीन चाहिए होगी, लॉस्ट फोकस के लिए अलग चाहिए होगी, ठीक है। पहले अलग अलग बनाते हैं फिर दोनों को कंबाइन करते हैं एनएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ प्राइवेट सब गॉड फोकस। अब गॉड फोकस में हमारे पास एक चीज़ कॉमन होगी सेंडर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम उसी तरह करता हूँ वाई वेल एस एज अ ऑब्जेक्ट सेंडर एज अ ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पे हमने ऑपरेशन करना है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जिस चीज़ को आपने ऑपरेशन करना है या जो चीज़ आपको पता है कि ये चेंज होगी उसको आप पैरामीटर में ले लो, जिसने हमने फॉर्म के ऊपर किया था, ठीक है। फॉर्म की क्लास बनाई थी कि हम एक ही बार जो है वो तीन लाइनें बार बार ना लिखें, क्योंकि फॉर्म चेंज हो रहा है, लिहाजा एक सब रूटीन बनाई, फॉर्म को पैरामीटर में दिया, पैरामीटर से वो वैल्यू में नीचे आ जाएगी तो कहानी हमारी चल जाएगी, ठीक है। अब मैंने सब रूटीन बनाई तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेंटर की जगह एस आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। गॉड फोकस इसका अपना इवेंट भी है तो इसलिए ये प्रॉब्लम देगा, तो इसको मैं अंडरस्कोर कर लेता हूँ, ठीक है। गॉड फोकस इसका अपना इवेंट भी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको अंडरस्कोर कर लिया। यही काम मुझे अगर लास्ट फोकस के लिए करना है सेम उसी तरह अंडरस्कोर दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लास्ट फोकस का जो कीवर्ड है वो डॉट नेट का अपना कीवर्ड है, इस वजह से मैं इसको इग्नोर करूंगा। इसको कॉपी करेंगे और सेंटर की जगह एस पास कर देंगे तो मसला नहीं आएगा। अब इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमने गॉड फोकस में, मैं गॉड फोकस को कॉल कर लेता हूँ मी डॉट गॉड फोकस, और उसको पैरामीटर की वैल्यू चाहिए तो सेंडर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में इसको रिप्लेस करवा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसे कहता हूँ मी डॉट लॉस्ट फोकस सेंडर एज ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो पैरामीटर में पास हो जाएगी, तो इसका अब ये काम हमारा यहाँ तक तो चल जाएगा, ये सब रूटीन्स यहाँ तक तो काम कर जाएंगे, लेकिन
अगर मैं एक कम्बो बॉक्स को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, या लिस्ट बॉक्स को कॉल कर लेता हूँ और लिस्ट बॉक्स का गॉड फोकस और लास्ट फोकस का एक इवेंट बना देता हूँ, और इन्हीं को अगर मैं कॉल करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, मी डॉट गॉड फोकस सेंडर एंड लास्ट फोकस सेंडर, मी डॉट लास्ट फोकस सेंडर, ठीक हो गया। अभी एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक लॉजिकल एरर आएगा, इट्स मीन्स कि हमने सब रूटीन्स को बना ली लेकिन वो यूज़फुल हैं सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ या यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो ये एरर जनरेट करते हैं, जैसे कि ये वर्क नहीं किया उसने, कलर चेंज नहीं किया, ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, वो उसको एज अ टेक्स्ट बॉक्स ट्रीट कर रहा है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, कहने यहाँ पे हमारी वो भी ख़राब। अब इसको हैंडल करने के लिए मीन्स के अगर मेरे चार इवेंट हैं तो मुझे 8 सब रूटीन्स लिखनी पड़ेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए अलग, मास टेक्स्ट बॉक्स के लिए अलग, कम्बो बॉक्स के लिए अलग, लिस्ट बॉक्स के लिए अलग, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, मैं तो यार ये कहानी थोड़ी ख़राब है, ये कहानी ख़राब है, इस तरह काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड करवा देता हूँ उनके एडिट आइटम्स में जाके, यही देते हैं यहाँ पे डिबगिंग मोड में, पेस्ट, ओके एंड पेस्ट, ओके, ठीक हो गया। इससे हमें ज़रा पता चलेगा कलर की डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ हमारी फ्रूटफुल नहीं रही टेक्स्ट बॉक्स के केस में, तो ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में नहीं चल रही, ठीक है। तो मैं इस कोड को कमिट करता हूँ, इस कोड को भी कमिट करता हूँ, भैया आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसे कहता हूँ इफ सेंडर डॉट गेट टाइप, सेंडर की टाइप चेक करो, इज अगर वो है किस चीज़ के, अगर वो है किस चीज़ के, तो यहाँ पे मैं देता हूँ गेट टाइप टेक्स्ट बॉक्स के। इसकी टाइप और टेक्स्ट बॉक्स की टाइप अगर बराबर है तो इज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो इक्वल वाला काम है वो नहीं आएगा, ठीक है। एस जो सेंडर आ रहा है उसकी टाइप उठाओ, अगर वो टाइप टेक्स्ट बॉक्स की टाइप से मैच करती है तो देन टेक्स्ट बॉक्स वाला काम करो, देन टेक्स्ट बॉक्स वाला काम कर दो। एल्स इफ, अब इसका जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों तरफ ब्रैकेट्स में वैल्यू आप देंगे, एस डॉट गेट टाइप इज किस चीज के, गेट टाइप ऑफ कम्बो बॉक्स, ठीक है, या हम लिस्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ लिस्ट बॉक्स, ठीक है, अगर लिस्ट बॉक्स के बराबर है तो इसी लाइन को मैं उठाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स की जगह यहाँ पे दे दूंगा लिस्ट बॉक्स, ठीक है। और गॉड फोकस में हम सिंपल काम कर लेते हैं, क्योंकि सॉरी नॉट लॉस्ट फोकस में, क्योंकि सिलेक्ट ऑल वाला काम नहीं करना हमें। अगर मैं यहाँ पे यही कंडीशन देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली करना क्या है, इसको ख़त्म कर देना है और यहाँ पे वाइट कर देना है, यहाँ पे भी वाइट कर देना है, ठीक है। तो इस कंडीशन को इतना लंबा लिखने के बजाय मैं इग्नोर करता हूँ, और इग्नोर करने के बजाय जो हमारी पुरानी टेक्निक है इग्नोर करके वो यूज़ करता हूँ, मीन सी टी आर एल एज अ कंट्रोल इक्वल टू एस, ठीक है, सी टी आर एल डॉट बैक कलर इक्वल टू वाइट,
क्योंकि इसमें ये कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है ले, सो मैं इसको सिंपल रखता हूँ, ठीक हो गया। अब हम इसको चलाते हैं, बाकी ऑलरेडी हमने कॉल किए हुए हैं, ठीक है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने उसके अंदर कंडीशन लगा दी, अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो ये कर दो, लिस्ट बॉक्स है तो ये कर दो। टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो गया, अब इसका कलर चेंज हुआ, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है, इसका कलर अब इनका नहीं है, उनका हम देख रहे थे। अच्छा, अब हमारी दो तो बन गई सब रूटीन्स, दो सब रूटीन्स बन गई। अब मैं चाहता हूँ यार दो नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, तो गॉड फोकस का काम भी करें, लॉस फोकस का काम, समझ आगे, गॉड फोकस का काम भी करें और लॉस फोकस, मल्टीपल तरीकेकार हैं। मैं इसको सिंपल वे से लेके चलता हूँ, प्रोफेशनल वे से, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सब रूटीन एक बनाता हूँ, इनको मैं करता हूँ, ये वाली अब नहीं चाहिए, एक ही बनाऊँगा जिसमें दोनों काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एनएम क्रिएट करता हूँ, गॉट लॉस्ट फोकस, ठीक है, और इसे मैं दे देता हूँ, अगर गॉट फोकस हो इक्वल टू वन। एनएम हम क्यों बनाते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, आप अपनी एक डेटा टाइप बनाना चाह रहे हैं, आपको पता है कि वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, जिस तरह आप अगर ले लें रंस ले लें पाकिस्तान फिक्स्ड है, ठीक है, या आप ले लें कंट्रीज ले लें पूरी दुनिया की, ठीक है, करेंसीज ले लें, उस तरह की चीज़ों के लिए आप बना सकते हैं छोटी डेटा टाइप्स, ठीक है। तो मैंने एक अपनी डेटा टाइप बना दी जो बेसिकली एज ए इंटीजर होती है, पहली के लिए वो वन रिटर्न करे, ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू तो आपको खुद ब खुद बता देंगे, पहली के लिए वन रिटर्न करें, दूसरी के लिए टू रिटर्न, स्ट्रक्चर के थ्रू भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, अब मैं एक सब रूटीन बनाता हूँ, प्राइवेट सब गॉट अंडरस्कोर लॉस्ट फोकस बाय वैल एस एज अ ऑब्जेक्ट सेम कॉमा, उसके बाद मैं देता हूँ बाय वैल गॉट एंड लॉस्ट फोकस एज अ इंटीजर, दो पैरामीटर लेंगे। अब ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको गॉट लॉस्ट जोड़ भी कर देता हूँ क्योंकि हमने एनएम का नाम रख दिया हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ ये बताएगी कि गॉट है कि लॉस्ट है, ठीक है, और ये उसी तरह से आप देख जो पहले चलता है। अब हमारी कंडीशन लगेगी, मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ इफ जो हमारा गॉट लॉस्ट फोकस है इक्वल टू गॉट अंडरस्कोर लॉस्ट, ये हमारा एनएम है, निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका सैम्पल नज़र आ रहा है, ये हमारा एनएम है, डॉट गॉट फोकस, यूज़र ने यहाँ पे गॉट फोकस की अगर वैल्यू दी है तो गॉट फोकस वाला काम कर दो, कौन से वाला काम कर दो, ये वाला, इसको मैं अनकमिट कर देता हूँ। अगर यूज़र ने गॉट फोकस वाली सिलेक्शन दी है तो ये चलेगी, फिर उसके बाद चेक करेगा कि एस क्या है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं करता हूँ एल्स इफ जो हमारा पैरामीटर है गॉट लॉस्ट फोकस इक्वल टू, अगर बराबर है गॉट एंड लॉस्ट डॉट लॉस्ट फोकस के, तो देन लॉस्ट फोकस होना काम, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ था पुराने वाले को मैं कमिट करूँगा क्योंकि उसमें एक पैरामीटर था, इसमें दो पैरामीटर, ठीक है।
मी डॉट, मैं से कहता हूँ गॉट लॉस्ट फोकस। ये हमारा सबरूटीन में मेथड वो जो कलर कम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो मैरून टाइप का कलर होगा वो आपका सबरूटीन फंक्शन और मेथड्स के लिए होगा, जिसके साथ ताला लगा हुआ है या चाबी लगी हुई है, प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया सेंडर, गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस उठाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, गॉट फोकस डॉट गॉट फोकस, वहाँ से इंटीजर की वैल्यू खुद चली जाएगी, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने वन भेजना है या टू भेजना है, क्योंकि इस एनम के इनम के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो वन है, ठीक है। और ये वन वैल्यू जाएगी आपकी यहाँ पे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वन दे देता हूँ गानी तब भी चल सकती है, मैं इसे कहता हूँ वन ब्रैकेट बंद और आगे कमिट कर देता हूँ, इंटीजर वैल्यू है ना के अंदर डिफाइन ना करे तो वो खुद इसको बंद ले लेगा, वो जीरो बंद ले लेगा, क्लियर होगी। इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस सूरत में मुझे याद रखना है कि वन किस पर्पज़ के लिए था, टू किस पर्पज़ के लिए था, उसमें हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं दोनों को कमिट करके आपको यहाँ पे दोबारा वही पहले वाला ले आता हूँ, गॉड लॉस्ट डॉट गॉड फोकस, ठीक है, ताकि दोनों कंडीशन आपको याद हों, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब मैं आता हूँ लॉस्ट फोकस पे, यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ मी डॉट गॉट एंड लॉस्ट फोकस, सेंटर की वैल्यू सेम उसी तरह से एंड गॉट डॉट लॉस्ट फोकस, अब इसके लिए लॉस्ट फोकस, ठीक है। अब हम यही कॉपी करेंगे, ले जाएंगे कहाँ पे, लिस्ट बॉक्स वाले पे, यहाँ पे भी हमने कॉल किया था, एरर आ रहा है, पुराने वाले को कमिट कर देंगे और नए वाले को कॉल कर देंगे, कमिट के लिए कंट्रोल के सी और अनकमिट के लिए कंट्रोल के यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं गॉट की जगह लॉस्ट फोकस करता हूँ। अब यही काम मुझे अगर करना है कॉम्बो बॉक्स के लिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट ऐड ऑन करता जाऊँगा सब रूटीन के अंदर, तो बाकी जगह पे वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट होता जाएगा, जस्ट हमें ऐसे कॉल करना है कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। देन ये कोड ब्रैकेट बंद करें, देन कॉम्बो बॉक्स एल सेव s dot get type is get type of catch is masked text box, then mask जो है वो इसको सपोर्ट करता है सेलेक्ट ऑल का, ठीक है। यहाँ पे हो गया, बाकी हमें इसी तरह रहेगी। तो मैं गॉड फोकस में ऐड करता जाऊंगा, जहाँ जहाँ पे उनको कॉल करता जाऊंगा, अगर किसी जगह एरर दे रहा नहीं दे रहा उसको कलर चेंज कर रहा तो आप यहाँ पे उसकी टाइप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है, इजी है ना। अब यहाँ पे आते हैं, हमने सिर्फ दो में ऐड किया हुआ था तो दो में काम करना है, बाकी हम ऐड करना है तो हम उसकी सब रूटीन के अंदर ऐड कर चुके हैं, सिर्फ उनके इवेंट्स बनाने और उनको कॉल करना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इवेंट को बंद करता हूँ, जो लिस्ट बॉक्स वाला गॉट फोकस लॉस्ट फोकस है उसको मैंने बंद कर दिया, जो 20% को ले आता हूँ, ठीक है। लिस्ट बॉक्स वाला गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस बंद कर दिया, जब सब रूटीन्स लिख ही चुके हैं, इतनी मेहनत कर ही चुके हैं, तो क्यों ना मल्टी इवेंट कॉल कर लें, सेंडर ही जा रहे हैं ना, सेंडर खुद बता देगा मैं कौन हूँ, सब रूटीन खुद चेक कर लेगी सेंटर कौन है, ठीक हो गया ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट गॉट फोकस, गॉट फोकस कामा लिस्ट बॉक्स वन डॉट गॉट फोकस कामा मास्ट एक्स बॉक्स वन डॉट गॉट फोकस,
यही काम यहाँ पे भी करना है। कामा कम्बो बॉक्स डॉट लास्ट फोकस कामा लिस्ट बॉक्स डॉट लास्ट फोकस कामा एंड मास्टर बॉक्स डॉट लास्ट फोकस। जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो मैंने इवेंट्स को बार बार क्यों लिखा? सेंडर है, सेंडर को ये सब रूटीन खुद देखेगी कि सेंटर में क्या है। एक टाइम पे एक ही पे फोकस जाएगा और एक ही से निकलेगा। ठीक हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। निकाल लोगे बार बार आपको बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो कोशिश करें कोड कम से कम, परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा। कोड थोड़ा लिखें, काम ज़्यादा लिखें। ठीक है, अब मैंने कोड को मिनिमाइज़ किया। अगर आप ये कोड मिनिमाइज़ ना करते तो ये चार थे, मुझे आठ इवेंट बनाने पड़ते। ठीक है, पहला काम, इसके लिए भी मुझे कोड लिखना पड़ता दो या चार लाइनों का, इसके लिए भी लिखना पड़ता, इसके लिए भी, इसके लिए। लास्ट फोकस में तो लाजमी था एक लाइन, सेम कोड लास्ट फोकस में मैं बार बार क्यों लिखूँ? क्योंकि लास्ट फोकस में अगर आप कोड देखें, ये लास्ट फोकस है, मैं इसकी डेफिनेशन पे जाना चाहता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, गो टू डेफिनेशन या एक्चुअल प्रेस में, ये डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो लास्ट फोकस का जो हमारा काम है उसके अंदर तो हमने एक ही चीज़ बार बार लिखी हुई, चाहे ऊपर से टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, लिस्ट बॉक्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स आ रहा है या मास्क टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, सबके लिए कॉमन है, तो मैं बार बार क्यों लिखूँ? इसका मतलब दो लाइनें हैं, आठ, अगर चार मेरे लास्ट फोकस के इवेंट बनेंगे या दस इवेंट बनेंगे तो बीस लाइनें मुझे लिखनी पड़ेंगी। कोड की रिपीटेशन से जान खाना है, जितना मिनिमम कोड लिखें परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है कोड में। ठीक है, दो सब रूटीन्स ही मैंने, वो भी एक में कर दी पंचायती रकम, सिर्फ क्या किया एक एन एम को ऐड कर दिया। अगर एन एम को एन एम ऐड करना तो क्या टेंशन। ठीक है, क्लियर हो भी जाता है। इसी चीज़ को उठा के आप क्लासेज में भी लेके जा सकते हैं, शेयर्ड फंक्शन भी बना सकते हैं, वो अभी करना है या वो कल करना है। इसको उठा के क्लास में लेके जाएंगे, क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, फिर उसको कॉल करेंगे। डिफाइन किसी और जगह पे होगा, यूज यहाँ पे हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मुझे पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए मैं कॉल कर सकता हूँ। अभी तो मुझे चाहिए मैं नहीं कॉल कर सकता, क्योंकि प्राइवेट है, विद इन द क्लास है। ठीक है, एक क्लास के अंदर है, डॉट एंड डॉट ऑफिस का जो एफ आर एन फॉर्म हमने बनाया, फॉर्म टाइप के अंदर उठा के क्लास में लेके जाएंगे, फिर क्लास को कॉल करेंगे। अगर हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास और पब्लिक डिफाइन करते हैं, तो क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, कॉल करेंगे। अगर मैं स्टैटिक क्लासेस बनाता हूँ, जिसको शायद में स्टैटिक कहते हैं, यहाँ पर उनको शेयर्ड कहते हैं, वीबी के अंदर शेयर्ड क्लासेस बनाऊँगा, तो मुझे क्लास का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, शेयर्ड और स्टैटिक का इंस्टेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट कॉल इंस्टेंस नहीं बनता, इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, ये दो काम नॉर्मल से होता है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ पूछनी हो, एन एम गेट टाइप इज, ठीक है, क्लियर हो गया। इफ के अंदर दो आपकी साइड होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सम टाइम नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आप बुलियन लेते हैं और बुलियन का सिर्फ ट्रू चेक करना है, तो आप इफ बुलियन देन उसकी लेफ्ट साइड पे वो खुद ट्रू लगा देगा। ठीक है, लेकिन बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, कंपैरिजन में डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। जब हम डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू असाइन नहीं करते, तो वो फॉल्स डिक्लेयर होता है। ठीक है, जब आप इफ़ की कंडीशन में लगाएंगे तो वो ट्रू कंसिडर करेगा कि ट्रू है तो फिर जाना है। अगर आपने ट्रू और फॉल्स अगर असाइन नहीं किया, मोस्टली इफ के अंदर आपकी एक लेफ्ट साइड होगी, एक आपकी राइट साइड होगी। ठीक है, राइट साइड को लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर करेगा, जो भी कंडीशन आपने बीच में लिखी है। ये इज भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, एंड और ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन। ठीक है, तो हमने पहले इक्वल टू आई थिंक पढ़ा था, आज इज हो गया। आगे चलते चलते हमारा नॉट भी आएगा, एंड भी आएगा, एंड ऑल्सो भी आएगा, और ऑल्सो भी आएगा, और भी आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू सारे। ठीक है, तो ये चीज़ जो एक एक पढ़ाता जा रहा हूँ, ये भूलनी नहीं है, भूलेगी आपको तब नहीं कि जब आप इसकी जाके घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें हमने कितनी टेक्निक्स यूज की, सिंपल, थोड़ी सी कम्प्लेक्स,
उससे कम्प्लेक्स, उससे कम्प्लेक्स, उससे कम्प्लेक्स, काम सबसे एक ही हो रहा है। मैटर करता है कि आप कोड को रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी कहानी? अगर आप सारे के सारे गॉड फोकस लॉस फोकस लगा दो और सिंपल ये लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें सिलेक्ट ऑल वाला काम है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा कभी कभी। ठीक है, क्लियर होगी? सेव कर दो लेक्चर को।